समाचार आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बढ़िया हो। एंड सबसे पहले जो है मेरे आज के लुक से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिकॉज भाई आज मैं आई हूँ सीधा डायरेक्ट ऑफिस से। अपने बस फेस को किया है फेस वॉश से अच्छे से साफ एंड बिल्कुल डायरेक्टली बैठ गई हूँ वीडियो को शूट करने के लिए, बिकॉज आज है सैटरडे और कल मुझे डालनी है वीडियो ताकि आप लोगों से मिल भी तो सकूँ इसीलिए। सो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एंड आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, जो कि है भाई व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। यानी कि भाई आज की सबसे बड़ी समस्या है हर किसी की। आप 99% लोगों को देखोगे जो भाई अच्छे से, अगर हम अच्छे से केयर भी कर लेना अपनी स्किन की, फिर भी जो है कहीं ना कहीं एक बिल्कुल कोने में जाके व्हाइट हेड और ब्लैक हेड दिख ही जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे भाई व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होता क्या है और ये भाई होता क्यों है। फिर हम देखेंगे भाई इसके जो है इसका कैसे हम उपचार कर सकते हैं, बिकॉज जब तक हमें यही नहीं पता ये होता क्या है, होता क्यों है, तो हम कैसे उपचार कर पाएंगे। सो अब हम बात करते हैं ये व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते क्या है। कभी अपने मम्मी से, मासी से, अपने रिश्तेदारों से सुना ही होगा भाई देख ये होगी कीले तेरे फेस पर, तो इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी ये करना नहीं है, वो नहीं करना है, नहीं तो तेरे फेस पर जो है इतने बड़े बड़े धब्बे हो जाएंगे। सो वो सब कुछ, ये सब चीज़ें किसकी वजह से मेन होती हैं, ये जो हमारे फेस पर कीले हो जाती हैं। ब्लैक हेड्स इक्वल्स टू कीले, यानी कि हमारे जो फेस पे, जब कभी आपने देखा होगा हमारे फेस पे जो ये बिल्कुल अंदर ना फंसी होती है ब्लैक हेड्स, ऐसे कर करके स्पेशली निकालते हैं टीनेजर्स, तो सबसे पहले निकालते हैं क्योंकि हमने भी ये काम बहुत की है। हम पकड़ लेते हैं इसको, ऐसे करते हैं वाइट कलर का वाइट हेड्स, ब्लैक कलर का ब्लैक हेड्स, मतलब इतने खुश हो जाते हैं उस वक्त, तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कभी कभार खून भी निकल आता है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी अपने हाथों से नहीं निकालना है, ऐसे कर करके तो बिल्कुल नहीं निकालना, नहीं तो फेस पे पड़ जाएंगे निशान हमेशा के लिए। सो इसको बिल्कुल भी ऐसे छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये होते हैं व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। अभी होते क्यों हैं, आज के टाइम में हो गया बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा हम लोग खाते हैं, इतना ज़्यादा कबाड़ा खाते हैं ना पूछो मत। अच्छी चीज़ बोल दी जाए तो हम लोगों की तो ऐसी होती नहीं, आज टिंडे खाने, आज ये खाना है, आज तोरी खानी, बिल्कुल नहीं, मतलब वो तो हमारे अंदर से ही निकलती, इस तरह से हो गया। सो अब हम खाते हैं जंक फूड। आजकल जंक फूड की वजह से क्या होता है, हमारे फेस पे जो होता है अंदर जो हमारी स्किन जो होती है उसके अंदर पनपता है, यानी कि प्रोड्यूस होता है ऑयल के प्रोड्यूस होने से क्या होता है, जितने हमारे रोम छिद्र होते हैं यानी कि पोर्स जो होते हैं उसके अंदर ऑयल जो होता है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इकट्ठे होने से क्या होता है, वो व्हाइट हेड्स में कन्वर्ट हो जाता है या ब्लैक हेड्स में हो जाता है। तो मोस्टली अगर हम लोग व्हाइट हेड्स की, यानी कि जितनी भी हमारे, अगर हम प्रॉपरली अपनी स्किन की केयर ना करें, हम रेगुलर रूटीन ना फॉलो करें, तो उससे क्या होगा, अच्छे से हम अपने फेस को, मतलब हफ्ते में 2-3 बार अगर स्क्रब भी ना करें ना धोएं, तो उससे क्या होगा, जितने भी हमारा जो ऑयल ऑयल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है पोर्स के अंदर, तो वो बना देगा व्हाइट हेड्स। व्हाइट हेड्स बनने से क्या होगा, अगर वो चीज़ हम उसको हटाएंगे नहीं तो वो बन जाते हैं ब्लैक हेड्स। और वो ब्लैक हेड जो होते हैं वो बिल्कुल हमारे अंदर तक, आपने देखा ही होगा, एक तरह से कीले से बन जाती है, बिल्कुल अंदर तो घुस जाती है, फिर हमें ना उन बड़ी उतारू सी होती है उसको निकालने की, वैसे बिल्कुल नहीं निकालना है। सो जो ब्लैक हेड्स हमारे अंदर निकल जाते हैं, तो उसको आपको या तो स्क्रब करना है या फिर जो मैं आपको आज एक तरीका बताऊंगी वो करना है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, तो आज हम बात करेंगे एक ही तरीके की। तो उस तरह से ये बन जाता है, एक तो ऑयल क्रिएट होने की वजह से जैसे हम जंक फूड खाते हैं वैसे बनता है, और सेकंड बन जाता है कि अब आजकल हो रही है गर्मियाँ छोड़ो सर्दियों में भी ये होता है, अगर हमारे फेस पर डस्ट आ जाए कि पसीने, गर्मियों तो सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि भाई हमारे फेस पर हो जाता है पसीना। पसीना आने की वजह से क्या होता है, जितना भी हम लोग बाहर घूमें या घर अंदर एसी में क्यों ना बैठे रहे, अगर हम लोग अपने हाथ भी लगाएं ना बाहर घूमेंगे तो सारी मिट्टी हमारे फेस पर जैसी मिट्टी आएगी, वो जो जितनी मिट्टी होती है हमारे रोम छिद्रों के अंदर पोर्स के अंदर घुस जाएगी, फिर वो इकट्ठी हो जाएगी। जैसी कोई चीज़ इकट्ठी होती है, पानी भी अगर नाले में इकट्ठा हो जाए ना वो भी बिल्कुल सड़ जाता है, तो वैसे ही अगर वो हमारी डस्ट भी जो है हमारी अंदर रोम छिद्रों के अंदर फंस जाए तो वो व्हाइट हेड्स बना देती है, ब्लैक हेड्स बना देती है, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो ये भी होता है, कई लोग बोलेंगे भाई हम तो बैठते हैं अंदर एसी में, तब भी हमारे यहाँ भाई एसी में बैठो, फ्रिज के अंदर बैठो, या फिर आप बैठो उसके
पंखे के नीचे भी बैठो तब भी क्या होता है ना कि हमारे जो हाथ है वो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी गंदे होते हैं ना, वो भी हम ऐसे ऐसे लपेटते रहते हैं ना, तो जितना भी हमारे हाथ की गंदगी होती है या हम चद्दर पे हम लेट जाए उस पे थोड़ी बहुत गंदगी होती है, डस्ट होती है, वो हमारे फेस के पोर्स के अंदर घुस जाती है, तो इकट्ठा हो जाती है, तो इकट्ठा होने से क्या होती है वो बन जाते हैं व्हाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स। सो बेसिकली ऐसे होते हैं और भी बहुत सारे रीजंस हैं, तो बेसिकली ये तो कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस, तो बाकी के रीजंस हम कभी और डिस्कस भी करेंगे जब हम और चीज़ें करेंगे, बट इस चीज़ के लिए तो आप ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रीजंस है, तो इसका तो बिल्कुल ध्यान रखिए, जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का कबाड़ा नहीं खाना है, अच्छी चीज़ें खाओ और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करो अपने फेस की। सो अब जो है अब हम करेंगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने की, बट कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं उनमें से जो है थोड़ी सी पेनफुल, अगर हम पील ऑफ मास्क भी यूज़ करते हैं उससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव होते हैं, अगर आपके पास है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़े से कईयों को लगते हैं पेनफुल। सो आज की हमारी रेमेडी है हम यूज़ करने वाले हैं जो कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल भी साइड इफेक्ट आपके फेस पर नहीं करेगा, फेस पे तो हम लगाते ही नहीं इतना, जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स है वहाँ लगाइए, पूरे फेस पे नहीं लगाना है पहली में बता दें। सो वो बिल्कुल भी आपके फेस को या फिर आपकी स्किन को बिल्कुल भी हानिकारक नहीं पहुंचाएगा। सो आज की हमारी रेमेडी है हम यूज करेंगे फेविकोल, एंड फेविकोल जो है मोस्टली हर घर में मिल जाएगी, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, मोस्टली जो है हर किसी के पास आजकल फेविकोल होती है, अगर नहीं भी है तो मार्केट में जाइए स्टेशनरी किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगी, और आप चाहें तो एक ये जो 10 रुपीज की जो शीशी होती है आजकल जो है फेविकोल की शीशी है वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बहुत लंबे तरीके से चलती है, बहुत लंबा मतलब टाइम ले खींचेगी, और जो फेविकोल होती है ना बिल्कुल भी हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती। अगर आपने देखा भी होगा जब भी हम लोग कभी छोटे होते हो गया या फिर अभी भी अगर हम फेविकोल लगाते हैं हमारे हाथ पे भी चिपचिप सी लग जाती है, वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी बुरी नहीं होती है। सो बट ऑब्वियस है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ स्किन के लिए बिल्कुल बुरी नहीं होती है, फायदा ये होता है कि फेविकोल पेनफुल नहीं होती, अगर फेविकोल से पील ऑफ करते हैं पेनफुल नहीं होगी, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे। सो अब हम इसको अप्लाई करेंगे एंड देखते से कैसे अप्लाई करना है। तो ये है फेविकोल, इसको जो है आपको इतना मतलब बिल्कुल ही स्मॉल सी लेयर बनानी है ताकि वो आराम से निकल जाए। सो मैं इसको इस तरह से लगा रही हूँ, मतलब अभी तो मुझे ऐसे ही खुशबू सी आ रही है ना जैसे मैं कॉपी पे लगा रही हूँ, ठीक है। इसको इस तरह से आपको अप्लाई करना है फेविकोल को, जहाँ जहाँ आपके ब्लैक हेड्स होंगे आप वहाँ वहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वाले एरिया में तो मतलब पूछो मत कितने होते हैं ना, मतलब कोई बंदा जा नहीं सकता, यहाँ पे भी बहुत होते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ वहाँ आप इसे लगाइए, चिन एरिया में लगता है चिन एरिया में लगाइए, यहाँ पे भी बहुत होते हैं जहाँ मैं इस वक्त लगा रही हूँ, यहाँ पे भी आपको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की तो पूरा मतलब ऐसा लगता है दुनिया बसा के रखी है उन्होंने, अपनी एक अलग सी दुनिया यहाँ हम बसाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे इसको मैंने इतना फैला लिया है, अब हम जो है आप चाहे तो किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इतनी ज़रा सी लगी और ये बहुत लंबी चलेगी, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ करूँगी, अब एक टूथपिन लूँगी, ठीक है, कुछ भी ले ली ताकि मुझे फैलाना है, इसको मैं यूज़ करूँगी और इसको इस तरह से फैला लूँगी, ठीक है। इस तरह से आप इसे फैला लीजिए ताकि एक तरह से आपका पील ऑफ का काम करेगा, और ये बिल्कुल भी जो होता है बिल्कुल भी आपको दर्द नहीं करेगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और ये कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, भाई सबके लिए समान काम करता है, ऐसा नहीं हम लड़के के साथ भेदभाव लड़की के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो इस तरह से इसे अप्लाई करना है अच्छे से, एक अच्छी सी लेयर बना लेनी है इसकी। तो जैसे ही ये सूख जाए जो है इसको थोड़ी देर के लिए रख लेना है, ये थोड़ा सा सूख जाएगी तो इसका हम पील ऑफ करेंगे आराम से, और बिल्कुल भी ये जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होंगे निकल जाएंगे। तो ऐसे ही ये वाली जो फेविकोल है आपको जहाँ जहाँ आपके जो है वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं वहाँ वहाँ अप्लाई कीजिए, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ भी आपको लगता है तो उसके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा अभी अभी तो थोड़ी थोड़ी है तो जैसे ही हो जाएगी अब हम उसे पील ऑफ करेंगे, और ये जो है बहुत लंबी चलते हैं, तो 10 रुपये की भी है तो ले आइए यार, बहुत अच्छी है, और हफ्ते में जो है आप इसे एक दो बार यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और सेकंड चीज़ में तब तक ये जब तक सूखती है मैं आपको ये भी चीज़ बताती हूँ, अगर आपके पास फेविकॉल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप घर पर ही स्क्रब कर सकते हैं, कोई भी मार्केट से स्क्रब ले आइए, स्क्रब करिए और अपने फेस को ना क्लीन रखिए, मतलब
सिर्फ फेविकोल की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे भी आप डेली रूटीन का यूज कीजिए, मतलब डेली रूटीन में अच्छे तरीके से जो है अपने फेस को अच्छे, जब भी आप बाहर से आते हैं अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से, साबुन से नहीं, एक अच्छा फेस वॉश ले लीजिए, पॉन्ड्स का हो गया या किसी का भी जो आपके लिए सूट करता हो उसको लीजिए और अच्छे से फेस वॉश से फेस को रिमूव करिए। अगर आप ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री वाला लीजिए, ठीक है। तो अच्छे से पहले फेस वॉश से फेस को धोइए और हफ्ते में एक दो तीन बार तो यार अपने फेस को स्क्रब कर लीजिए, क्योंकि गर्मी है तो बहुत ज़रूरी है, या तो एक दो बार तो कर ही लीजिए अपने फेस को स्क्रब कर लीजिए स्क्रबर से। आप चाहे तो मार्केट से कोई भी स्क्रबर लेकर आ सकते हैं, उसको स्क्रब कर सकते हैं फेस से, सॉरी फेस पे, ठीक है, या फिर घर पर ही बना सकते हैं। एलोवेरा जेल लीजिए प्लस चीनी लीजिए, उसको मिक्स करिए और अपने फेस को अच्छे स्क्रब कर लीजिए। आपका फेस जो है ना बहुत ही मॉइस्चराइज हो जाएगा एक तो एलोवेरा से, और साथ ही साथ आपके फेस जो है बिल्कुल डर्ट फ्री हो जाएगा, और धीरे धीरे जो करके जितनी ब्लैक हेड्स है व्हाइट हेड्स है वो रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। एक टाइम के बाद तो होंगे ही नहीं, ना के बराबर होंगे, मतलब एक छोटा सा हो गया तो वो तो हम ऐसे हैंडल कर लेंगे भाई। तो एक तो वह स्क्रब हम घर पे कर सकते हैं एलोवेरा प्लस चीनी मिलाकर, या फिर टमाटर प्लस चीनी मिलाकर आप फेस को स्क्रब कीजिए, या फिर आप टमाटर के ऊपर चीनी लीजिए और उसको ऐसे से स्क्रब कीजिए, वो बहुत अच्छा फेस वॉश है। मतलब दो तीन तो घर पे भी स्क्रबर ऐसे बनते हैं भाई, पूछो मत। और एक और बताऊँगी, कॉफ़ी का स्क्रबर होता है, कॉफ़ी प्लस चीनी मिक्स कीजिए और अपने फेस पे अच्छे से लगाइए, वो आपके स्किन को जो फेयर भी बनाएगा और साथ ही साथ जितने भी स्किन के ऊपर धूल मिट्टी है सब निकालेगा, ठीक है। सो ये तो हुई स्क्रबर की, और भी स्क्रबर्स है भाई, बताएंगे बाद में बताएंगे। तो अब ये देख लेते हैं ये सूखा है या नहीं। तो ये मुझे अभी लग रहा है थोड़ा बहुत नहीं सूखा है, तो थोड़ा सा सूखने देते हैं, आई थिंक ये 10-15 मिनट लेगा, तो जैसे ही सूखता है तो हम इसको पील ऑफ करें। सो अभी मुझे लग रहा है कि ये जो है सूख चुका है, तो अब हम जो है इसको पील करेंगे, ठीक है। ये जब पील होगा तो इस तरह से होगा, इसको इस तरह से आपको पील करना है, ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, ठीक है। इसमें जितने भी मतलब मेरे जो है फेस पे, मतलब फेस पे नहीं, थोड़ा सा जो हमारी जो मेरी छापे ने लगाए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो, मैं दिखा पा रही हूँ तो नहीं, बट इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा वो है, ज़रा सा जब जब आप खींचोगे ना ज़रा सा वो होगा, बट वो इसका इतना पेन वो नहीं है कि जैसे हमें पील ऑफ में होता है, थोड़ा बहुत पील ऑफ में इस तरह से होगा, ज़्यादा नहीं। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में भी इसको कर सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में करोगे, ठीक है, इस तरह से ये पील ऑफ का काम करेगा। तो ज़रा सा जहाँ पे भी अगर रह गया हो तो वो भी उसे निकाल लीजिए, इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा इस ऐसे नहीं निकल रहा, ज़रा से पार्ट हो जाते हैं तो इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है मुझे अपना फेस ये जो है, तो ये जो बहुत ही ज़्यादा ये जितने भी वाइट हेड्स थे ब्लैक हेड्स थे सब निकल से गए हैं, ठीक है, यहाँ से, और मतलब बिल्कुल ही क्लीन सा हो गया है बहुत ही, और सॉफ्ट भी बहुत लग रहा है। जो अगर थोड़ा बहुत जैसे ये थोड़ा सा रहेगा तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा जो है अभी सॉफ्ट भी लग रहा है। तो इसी तरह से जो आप अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव कर सकते हैं, फिर चाहे यहाँ पे हो, फिर चाहे कहीं पे भी आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स आप रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा फेविकॉल से, एंड बहुत ही ज़्यादा जो है सॉफ्ट भी रहेगा। आप चाहें तो इसके बाद जैसे मैंने इसको किया है अपने फेस को वॉश भी कर सकते हैं, बट मुझे भी ये ठीक लग रहा है, इट्स ओके, मतलब ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल इंप्योरिटीज तो निकली, और साथ पे चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को वीडियो को लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं, और आप अच्छे अच्छे वीडियो और ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर सके। और साथ ही साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे 11 बजे, नेक्स्ट संडे 11 o'clock, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।